Hello everyone, in this video we are going to attempt long answer type questions from the chapter force and pressure class 8 science. इससे पहले मैं दो वीडियो और बना चुकी हूँ जिसमें नोट्स रिवीजन है, MCQs की एक वीडियो बनाई है और एक में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस किया है. इसमें हमारा फोकस केवल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं. लेट अस स्टार्ट. एक्सप्लेन व्हाई फ्रिक्शनल फोर्स इज सेड टू बी अ कॉन्टैक्ट फोर्स. आपको समझाना ये है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसे कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों माना जाता है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स. ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखिए कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो जितनी गतिमान चीज़ें हैं जो मूव कर रही हैं केवल उन्हीं पर एक्ट करती है. एंड इट डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. पहला पॉइंट ये हुआ मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे वह एक्ट करती है. दूसरा क्या हुआ कि इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा जो उस चीज़ की डायरेक्शन है उससे अपोजिट होगी. सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू कॉन्टेक्ट बिटवीन सरफेसेस. अब ये फ्रिक्शन उत्पन्न क्यों होता है, क्योंकि जो दोनों चीज़ों का सरफेस है, एक तो नीचे जिस पे वो रखा हुआ है और दूसरी वो चीज़ जो चल रही है, दोनों के सरफेस के बीच में कॉन्टेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो कॉन्टेक्ट होगा तब भी जाएगा. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स. इसीलिए इसे कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल कहा जाता है. एक्सप्लेन वाई द वॉल्स ऑफ ए डैम आर थिकर नियर द बॉटम दैन एट द टॉप. डैम आपने कभी देखा हो तो डैम की जो दीवारें होती हैं वो नीचे से ज़्यादा मोटी होती हैं. क्यों होता है ऐसा. द वॉल्स ऑफ डैम आर मच थिकर. थिकर से मतलब मोटी. एट द बॉटम दैन इट इज एट द टॉप. दिस इज बिकॉज द प्रेशर ऑफ वाटर इज मच ग्रेटर डीपर डाउन. कि जहाँ पे ज़्यादा डेप्थ होती है, गहराई होती है, पानी का प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा होता है. एंड डैम नीड टू बी थिक एट द बॉटम. इसीलिए बॉटम में डैम की दीवारों का मोटा होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा. अगर वॉल्स थिक होंगी तो प्रेशर को झेल पाएंगे. सो दैट इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू विदस्टैंड. विदस्टैंड का मतलब है सहन कर पाना. दिस लार्जर प्रेशर. इतने ज़्यादा प्रेशर को सहन करने के लिए वॉल्स का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, और स्ट्रॉन्ग होने के लिए टिक होना जरूरी है. अ रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट. रॉकेट लॉन्च होते हैं, आपने देखे होंगे, टीवी पर भी बहुत बार देखे होंगे, ऊपर जाते हैं. तो ऑर्बिट में जब भी सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है तो रॉकेट फायर किया जाता है. नेम द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द लॉन्चिंग पैड. लॉन्चिंग पैड पर जहाँ पर रॉकेट को रखा हुआ होता है उससे उठने के बाद, चलने के बाद दो फोर्स उस पर काम करती हैं, उनके नाम बताइए. द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रॉकेट आर द फोर्सेज ऑफ ग्रेविटी. एक तो ग्रेविटी की फोर्स होगी विच पुल्स द रॉकेट टूवर्ड द ग्राउंड, जो उसे जमीन की तरफ खींचना चाहती है. एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू द अर्थ एटमोसफियर. और दूसरा यहाँ पर फ्रिक्शन की फोर्स है जो कि हवा लगा रही है. आप जानते हैं कि ब्लैंकेट ऑफ या कवर ऑफ एयर है धरती के चारों तरफ, तो जब वो ऊपर जाएगा तो ये हवा अपना प्रेशर लगाएगी और ये होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो ये उसे अपोज करती है रॉकेट के मोशन को. तो ये दो फोर्सेस हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और दूसरी है फोर्स ऑफ ग्रेविटी. व्हाट इज मैंड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है. गिव वन एग्जांपल. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट. इस धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं, यूनिवर्स ब्रह्मांड में पूरे जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो, सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही होती हैं.
इसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, वाटर बिगिंस टू फ्लो टुवर्ड द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन ए टैप। जैसे हम टैप खोलते हैं पानी नीचे गिरने लगता है, कोई चीज़ आपसे बिखर गई है वो नीचे गिरने लगती है। क्यों? क्योंकि जो धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसे अपनी तरफ खींचती है। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको दो एग्जाम्पल देने हैं जब जो फोर्स लगी है वो उस वस्तु की शेप को चेंज कर देती है। टू एग्जाम्पल्स इन विच अप्लाइड फोर्सेज कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर दश। एक एग्जाम्पल है, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, द शेप ऑफ डो। पहले डो का मतलब पता होना चाहिए, इसे डो बोलते हैं। ओ यू जी एच साइलेंट रहता है। डो होता है जब आपकी मम्मी आटा गूंथ के पेड़ा बनाती हैं, यानी कि बॉल बनाती है चपाती बनाने, वो डो कहलाता है। तो डो की शेप बदल जाती है ऑन प्रेसिंग विद रोलिंग पिन। रोलिंग पिन होता है बेलन, जब वो बेलन से उसे प्रेस करती हैं चपाती बनाने के लिए। दूसरा है द शेप ऑफ ए टूथपेस्ट ट्यूब। टूथपेस्ट ट्यूब पर आप मस्कुलर फोर्स लगाते हैं फिंगर से, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है जब आप उसे स्क्वीज करते हैं, भींचते हैं पेस्ट निकालने के लिए। व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के विभिन्न प्रभाव कौन कौन से हैं, वो है नंबर वन, इट मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। कोई भी चीज़ रेस्ट की पोजीशन में आप उसमें फोर्स लगाइए तो वो चलने लगेगी, चलने लग सकती है। सब चीज़ें नहीं चलती, दीवार पे फोर्स लगाओ वो तो नहीं चलेगी। इट मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। अगर कोई चीज़ चल रही है उस पर फोर्स लगाइए तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। इट मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है, उसको आप फोर्स इस तरीके से लगाइए कि उसकी डायरेक्शन बदल जाए। जैसे बॉल पे होता है, बैट्समैन उस पर बॉल पे डायरेक्शन तो चेंज करता है उसकी। इट मे ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि अभी आपने दो एग्जाम्पल देखे, टूथपेस्ट का देखा है, डो का देखा है, तो ये ऑब्जेक्ट की शेप भी बदल सकती है। वाई अ फाउंटेन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का फव्वारा, इज क्रिएटेड एट द लीकिंग जॉइंट्स और होल्स ऑफ पाइप्स ऑफ द मेन वाटर पाइपलाइन। जब भी मेन वाटर पाइपलाइन में कोई होल हो जाता है, कोई जॉइंट लीक करता है, तो वहाँ पानी का फव्वारा बन जाता है। सड़क पर कितनी बार हो जाता है, मैनी टाइम्स वी सी ए फाउंटेन ऑफ वाटर रशिंग आउट ऑफ द लीकिंग पॉइंट्स या होल्स इन द पाइप ऑफ द मेन वाटर पाइपलाइन। क्यों होता है ऐसा? इट इज़ ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, द वेरी हाई प्रेशर एग्जर्टेड बाय वाटर ऑन द साइड्स ऑफ द पाइप्स। ये पहले आप पढ़े, रिवीजन जो मैंने नोट्स वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि जो लिक्विड होते हैं वो वॉल पर प्रेशर लगाते हैं, तो जो पाइप की वॉल्स हैं उस पर पानी अपना प्रेशर लगाता है, ज़्यादा प्रेशर लगाता है। दैट सच ए फाउंटेन ऑफ वाटर इज फाउंड, इसीलिए उस प्रेशर की वजह से फव्वारा बन जाता है। वाई डज द लिक्विड राइज इन ए सिरिंज व्हेन इट्स पिस्टन इज पुल्ड अप। अपने इंजेक्शन लगाते हुए देखा होगा, तो सिरिंज में लिक्विड क्यों राइज होता है जब उसके पिस्टन को खींचा जाता है। हाउ डज ए लिक्विड मेडिसिन एंटर ए सिरिंज। जो लिक्विड मेडिसिन होती है वो सिरिंज के अंदर कैसे जाती है? भाई बोतल में से सिरिंज में तो पहुँचाएगा ना लगाने वाला, कैसे? When the nozzle of a syringe is dipped in liquid, जब सिरिंज की नोजल को, जो आगे का हिस्सा होता है, उसे लिक्विड में डिप करते हैं, डुबोते हैं, एंड इट पिस्टन इज विथड्रॉन, उसके पिस्टन को पीछे से खींचते हैं, द प्रेशर इन साइड द सिरिंज इज लोअर्ड। तो जो सिरिंज के अंदर एयर का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। द ग्रेटर एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड, और जो लिक्विड के सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा प्रेशर पुशेस द लिक्विड अप इनटू द सिरिंज, वो ही लिक्विड को सिरिंज के अंदर पहुँचा देता है। सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ऐसा होता है। वाई नोज ब्लीडिंग अकर्स एट हाई एल्टीट्यूड।
जो एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ज़्यादा हाइट पर जाकर कुछ लोगों की नोज ब्लीड क्यों करने लगती है? वाई डू माउंटेनियर सफ़र फ्रॉम नोज ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स? एट हाई एल्टीट्यूड जब ज़्यादा ऊंचाई होती है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स मच लेस देन अवर ब्लड प्रेशर। हमारे अंदर बॉडी के अंदर भी ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर तो आपने पढ़ा ही होगा, प्रेशर वर्ड ही है उसमें। तो जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और हमारी बॉडी के अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। सिंस अवर ब्लड इज़ एट हायर प्रेशर, चूँकि हमारा ब्लड ज़्यादा प्रेशर पे होता है बाहर के प्रेशर की अपेक्षा, देयर फोर सम ऑफ द ब्लड वेसल्स इन अवर बॉडी बस्ट। इसीलिए इस प्रेशर की वजह से जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर की वेसल्स होती हैं जिनमें ब्लड बहता है, नसें होती हैं, फट जाती हैं। एंड नोज ब्लीडिंग टेक्स प्लेस एट हाई एल्टीट्यूड और नोज ब्लीडिंग होने लगती है। डज एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्या फोर्स के लगाने से हमेशा ही किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज होगा? नो। मैनी टाइम, कई बार, एप्लीकेशन का मतलब है यूज़ ऑफ फोर्स, फोर्स के यूज़ करने से डज नॉट रिजल्ट इन चेंज इन ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, वस्तु के मोशन में कोई चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ए हैवी बॉक्स मे नॉट मूव एट ऑल इवन इफ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स। कोई बहुत भारी बॉक्स है, आप उस पर बहुत सारी फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो तब भी नहीं हिलता। दैट यू कैन एग्जर्ट, अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश ए वॉल। वॉल को आप सरकाइए, प्रेशर लगाइए, वॉल चलेगी नहीं। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं। नेम द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। आपके हाथ में ग्राउंड लेवल से ऊपर एक ऐसी प्लास्टिक की बकेट है जिसमें पानी है, तो उस पर बताइए उस पर कौन सी फोर्स काम कर रही है। डिस्कवर व्हाई द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग ए चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन। तो ये फोर्सेज जो उसकी स्टेट ऑफ मोशन में, उसमें चेंज क्यों नहीं लाती हैं? इन दिस केस मस्कुलर फोर्स इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। जो मस्कुलर फोर्स है वो ऊपर की डायरेक्शन में काम कर रही है। एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो नीचे की तरफ काम कर रही है। द टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दोनों फोर्सेज अपने मैग्नीट्यूड में, अपनी ताकत में बराबर हैं। बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं। एक नीचे की तरफ लगा रही है, एक ऊपर की तरफ लगा रही है। देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन द बकेट इज जीरो। इसलिए जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगी। हैंड देयर इज नो चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन। आपने बकेट वाला देखा होगा कि कैसे जब उसे पलटते हैं, आपकी बुक में ये दिया हुआ एग्जाम्पल, तो पानी नीचे नहीं गिरता। तो वो इसी वजह से होता है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया और दूसरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया। व्हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एज वी गो हायर अप अबव द अर्थ सरफेस। जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम क्यों होने लगता है? द प्रेशर एट एनी लेवल, किसी भी लेवल पर जो प्रेशर होता है इन द एटमोसफेयर मे बी इंटरप्रिटेड एज द टोटल वेट ऑफ द एयर अबव अ यूनिट एरिया एट एनी एलिवेशन। एलिवेशन हाइट, ऊंचाई पे जो यूनिट एरिया के ऊपर एयर का प्रेशर है वो टोटल वेट है, उसे ही प्रेशर मतलब एटमोसफेयर में एयर प्रेशर कहा जाता है। सिंस मोस्ट ऑफ द एटमोसफेयर मोलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोज टू द अर्थ सरफेस, ये है मेन लाइन, बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो धरती के नज़दीक ज़्यादा क्लोज होते हैं, इसीलिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो धरती के नज़दीक ज़्यादा होगा। जितना आप धरती के सरफेस से ऊपर जाएंगे
वो कम होता चला जाएगा। ए प्रेशर डिक्रीजेस एज वी गो हायर अप द अर्थ सरफेस, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो एयर प्रेशर कम होगा। समझ में आ गई ना बात। मैं मेन लाइन इसकी जो दी हुई है वो मेन लाइन ये वाली है, इसको याद रखिए आप, कि जो एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धरती के सरफेस के नज़दीक जो है वो ज़्यादा क्लोज होते हैं, इसीलिए ज़्यादा प्रेशर उनका होता है, लेकिन जैसे जैसे दूर होंगे तो एयर प्रेशर डिक्रीज होता चला जाता है। व्हाट हैपेंस व्हेन ए चार्ज प्लास्टिक स्ट्रो इज ब्रॉट नियर अनदर अनचार्ज प्लास्टिक स्ट्रो। एक प्लास्टिक की स्ट्रो आपने चार्ज कर रखी है रगड़ के किसी चीज़ पे, बालों पे रगड़ के, दूसरी में कोई चार्ज नहीं है, तो क्या होगा जब आप चार्ज वाले को अनचार्ज वाले के पास लाएंगे। ए स्ट्रो इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद ए शीट ऑफ पेपर। आपने स्ट्रो को पेपर की शीट के साथ रगड़ा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उसमें आ जाता है। सच ए स्ट्रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए चार्ज बॉडी, और इस स्ट्रो को जिसमें चार्ज आ गया उसे चार्ज बॉडी कहेंगे। ए स्ट्रो रब्ड विद पेपर, स्ट्रो जो आपने पेपर पे रब किया था अट्रैक्ट्स अनदर स्ट्रो, वो दूसरे स्ट्रो को भी अपनी तरफ खींचेगा। बट रेपल्स, लेकिन उसे दूर ढकेलेगा इफ इट हैज़ ऑल्सो बीन रब्ड विद ए शीट ऑफ पेपर, अगर दूसरे वाले को भी आपने रगड़ लिया तो दोनों एक दूसरे को ढकेलेंगे, लेकिन अगर एक अनचार्ज है और एक चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। वाई डज ए प्लास्टिक कॉम रब्ड विद ड्राई हेयर अट्रैक्ट टाइनी पीसेज ऑफ पेपर। जब हम प्लास्टिक के कॉम को सूखे बालों, तेल लगे हुए नहीं, सूखे बालों से रब करते हैं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। वैन ए प्लास्टिक कॉम इज रब्ड इन ड्राई हेयर द कॉम गेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। आपको कारण बताना है, कारण है इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाना। एंड व्हेन दिस इलेक्ट्रिकली चार्ज कॉम इज ब्रॉट नियर टाइनी पीसेज ऑफ पेपर, और जब इस इलेक्ट्रिकली चार्ज हुए हुए कॉम को पेपर के छोटे छोटे पीसेज के पास में लाते हैं इट एग्जर्ट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन देम, तो ये उनके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को खींचने की जो फोर्स है वो लगाती है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द टाइनी पीसेज ऑफ पेपर मूव टूवर्ड द कॉम एंड स्टिक टू इट, इसीलिए जो छोटे छोटे टाइनी पीसेज ऑफ पेपर हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कॉम की तरफ, उससे आके चिपक जाते हैं। स्टिक का मतलब चिपकना। वट इज मैंट बाय सेइंग दैट फोर्स इज ड्यू टू इंटरैक्शन, ऐसा क्यों कहते हैं कि जो भी फोर्स लग रही है वो इंटरैक्शन की वजह से लगती है। एग्जाम्पल, सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार, स्टेशनरी से मतलब ये नहीं उसमें स्टेशनरी भरी हुई है, स्थिर है, एक कार स्टेशनरी है चल नहीं रही है, उसके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है। द कार विल नॉट मूव जस्ट ड्यू टू हिज प्रेजेंस, लेकिन आदमी के केवल खड़ा होने से तो कार नहीं चलेगी। सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार, लेकिन तभी वो आदमी उस कार को ढकेलने लगे, पुश करने लगे, दैट इज ही अप्लाईज ए फोर्स ऑन इट, मतलब उस पर फोर्स लगा रहा है। द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, तो हो सकता है कार जिधर की तरफ जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है उधर की तरफ चलने लगे। फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल वी कैन इन्फर, इससे हम अर्थ निकाल सकते हैं, इन्फर का मतलब ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट फॉर ए फोर्स टू कम इन टू प्ले। कम इन टू प्ले का मतलब खेलना नहीं है, यहाँ पे हकीकत में आना, कि दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए किसी भी फोर्स को एक्टिव होने के लिए। इफ द एरिया ऑफ माई हेड वर 10 cm by 10 cm, मेरे हेड का एरिया 10 by 10 cm है, हाउ मच वेट ऑफ एयर वुड आई बी कैरिंग ऑन माई हेड, तो मैं अपने सिर के ऊपर कितना हवा का बोझ लेके चल रहा हूँ। वाई डोंट वी फील द वेट ऑफ सच ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर ऑन अस, और इस एयर का भार मुझे
क्यों फील नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द वेट ऑफ एयर इन ए कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमोसफियर एन एरिया 10 by 10 सेंटीमीटर इज एज लार्ज एज 1000 किलो. अगर कोई कॉलम है, कॉलम से मतलब होता है जो इस प्रकार का, मान लीजिए चकोर आपका ये एक बना हुआ है कॉलम, ऐसे बॉक्स टाइप सा है ये कॉलम है ये, ठीक है, इसमें एयर भरी हुई है इसमें मान लीजिए, और ये 10 by 10 का है मान लीजिए, तो इसमें जितनी एयर होगी वो 1000 किलोग्राम उसका वेट होगा. अब ये वेट हमें फील क्यों नहीं होता, द रीज़न वी आर नॉट क्रस्ड अंडर दिस वेट, हम इस वेट के नीचे कुचले क्यों नहीं जाते, इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर का जितना प्रेशर है ये उसके इक्वल है, एंड कैंसिल द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, इसीलिए बाहर का प्रेशर कैंसिल हो जाता है, हम उसे फील ही नहीं करते हैं. इफ ए वैक्यूम इज क्रिएटेड, वैक्यूम क्या होता है, खालीपन, बिटवीन टू मैग्डेबर्ग हेमिस्फीयर्स, मैग्डेबर्ग हेमिस्फीयर क्या होते हैं आपने देखे होंगे, ऐसे मान लीजिए ये बहुत सारे खूंटी वगैरह जो लगाते हैं ना उसमें भी होते हैं, ऐसे लगे हुए होते हैं, अंदर से खाली होता है, दीवार पे चिपका दो इसे, तो ये दो चिपकाने हैं आपको एक साथ ही से, इन्हें कहते हैं मैग्डेबर्ग हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर तो आधा गोला होता है, मतलब कोई भी आधा गोला है तो उसे हेमिस्फीयर कहेंगे, धरती के हेमिस्फीयर है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ये मैग्डेबर्ग हेमिस्फीयर है. इन्हें आपने जोड़ दिया, दो लिए और जोड़ दिया, एक इधर से और एक इधर से जोड़ दिया, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजिली, अब इन्हें आप अलग नहीं कर सकते आसानी से. गिव रीजन, अब दीवार पर ला के चिपका के देखिए, खींचे उसे नहीं खींचेगा, लेकिन जरा सा उसकी एयर बाहर निकाल दीजिए साइड से, तुरंत हट जाएगा एकदम से. वाई डू मैग्डेबर्ग हेमिस्फीयर स्टिक टुगेदर, ये दोनों चिपकते क्यों हैं, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, इस वजह से है दैट सिंस देयर इज नो एयर इनसाइड, क्योंकि उसके अंदर एयर ही नहीं होती है. द अनअपोज एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ओवर द होल सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से प्रेशर लग रहा है, दोनों पे बराबर प्रेशर लग रहा है, तो इससे आपस में वो भिज जाते हैं, वेरी वेरी हार्ड, इतना हार्ड प्रेस हो जाते हैं, बाहर की हवा इतना ज़्यादा उन्हें प्रेस कर देती है, अंदर तो हवा ही नहीं, बाहर की हवा, एंड डज नॉट अलाउ देम टू बी सेपरेटेड, कि वो अलग ही नहीं हो सकते जब तक कि आप अंदर एयर ना घुसाएं. हाउ डज ए रबर सकर वर्क, रबर का सकर होता है, सक करते हैं उससे, कैसे काम करता है, When we press the sucker, जब हम किसी sucker को press करते हैं, pipe में लगा होता है, most of the air between its cup and the surface escapes out. तो उसके अंदर जो air होती है cup के और उसके surface के बाहर निकल जाती है वो. The sucker sticks to the surface, और sucker उस surface से चिपक जाता है, because the pressure of atmospheric acts on it. Simple सा समझिए कि कोई भी चीज़ है, अंदर की हवा आपने बाहर निकाल दी तो बाहर का प्रेशर इतना लगेगा कि वो उस पर उसके सरफेस को चिपका देगा उसको किसी भी जगह से. टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस, अगर आपको सकर को सरफेस से हटाना है, द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अब इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि जो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो कम हो, अंदर का ज़्यादा हो. इनफैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बींग टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस इफ देयर वर नो एयर एट ऑल बिटवीन द सकर एंड द सरफेस, कि अगर सकर के बीच में और जिस सरफेस पे आपने उसे लगाया उसके उससे उसे अलग किया ही नहीं जा सकता जब तक कि आप उसमें से एयर उसके अंदर ना भेज दें. Give two examples each of situation in which you push or pull to change the state of motion of object. दो एग्जाम्पल देने हैं जब आप या तो किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं. तो एग्जाम्पल ये हैं, वी पुश द डोर टू ओपन इट, हम डोर को पुश करते हैं खोलने के लिए. अ फुटबॉल प्लेयर किक्स द बॉल, वो बॉल को किक करता है, पुश तो कर रहा है बस जोर से कर रहा है ज़्यादा और पैर से कर रहा है.
पुल के एग्जांपल क्या है, वी पुल द डोर टू क्लोज इट, अब हम डोर को अपनी तरफ खींचते हैं बंद करने के लिए, ओपनिंग ए ड्रॉर और ड्रॉर को ओपन करने के लिए अपनी तरफ पुल करते हैं। एंड इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड का मतलब फूला हुआ बैलून, वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल, उसे दीवार पे आपने दबाया, आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विद ए पीस ऑफ सिंथेटिक क्लोथ, लेकिन उसे पहले सिंथेटिक कपड़े पर रगड़ना होगा, इट वॉज फाउंड, तो पता चला दैट द बलून स्टिक्स टू द वॉल, कि वो दीवार पे चिपक गया, वट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द वॉल, अब वॉल के बीच में और बलून के बीच में कौन सी अट्रैक्शन की फोर्स ने काम किया। When inflated balloon is rubbed with a piece of synthetic cloth, जब आप किसी फूले हुए बलून को सिंथेटिक कपड़े से रगड़ेंगे, it gets electrically charged, तो वो electrically charged हो जाता है। A charged body exerts an electrostatic force on uncharged body, और जो electrostatic force वाली charged body है वो उस चीज के पास ले जाने पर जो charged नहीं है अपनी फोर्स लगाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एग्जांपल अभी हमने पहले भी पढ़ा है। दस व्हेन द चार्ज बलून इज प्रेस्ड अगेंस्ट वॉल, इसीलिए जब चार्ज हुआ हुआ बलून अब दीवार पे लगा रहे हैं जो कि चार्ज नहीं है, इट स्टिक्स टू द वॉल, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है और वो वॉल से चिपक जाता है। बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज बलून एंड द वॉल। एक्सप्लेन व्हाई, When a person stands on a cushion, जब कोई आदमी कुशन पे खड़ा होता है, the depression, depression का मतलब है गड्ढा, is much more than when he lies down on it, गड्ढा ज़्यादा बड़ा होता है उसके बजाय कि जब वो उस पर लेटा हुआ होता है, मतलब लेटेंगे तो गड्ढा कम होगा, उसी पे खड़े हो गए कुशन पे, गद्दी पे, तो ज़्यादा गहरा गड्ढा होगा, क्यों होता है ऐसा। When a man stands on a cushion, जब कोई आदमी कुशन पे खड़ा होगा, देन ओनली हिज टू फीट आर इन कॉन्टेक्ट विद द कुशन, तो बस केवल दो पैर ही तो कुशन के कॉन्टेक्ट में होते हैं ना। ड्यू टू दिस द वेट ऑफ मैन फॉल्स ऑन ए स्मॉल एरिया, तो जो वेट पड़ रहा है वो कम एरिया पे पड़ रहा है, और जितना कम एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर ऑफ कुशन, प्रोड्यूसिंग ए लार्जर प्रेशर, प्रेशर ज़्यादा होता है। दिस लार्ज प्रेशर कॉजेज ए बिग डिप्रेशन इन द कुशन, इस ज़्यादा प्रेशर की वजह से ही कुशन में ज़्यादा बड़ा गड्ढा होता है। ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत, वैन द सेम मैन इज लाइंग ऑन द कुशन, जब वो कुशन पर लेट जाता है, देन इज होल बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद द कुशन, उसका पूरा शरीर कुशन के कॉन्टेक्ट में होता है। इन दिस केस द वेट ऑफ मैन फॉल्स ऑन ए मच लार्जर एरिया ऑफ द कुशन, तो जो आदमी का वेट है वो कुशन के ज़्यादा बड़े एरिया पे लगता है, प्रोड्यूसिंग मच स्मॉलर प्रेशर, प्रेशर कम बनता है, एंड दिस स्मॉलर प्रेशर प्रोड्यूसेस ए वेरी लिटिल डिप्रेशन ऑन द कुशन, इसलिए कुशन में छोटा गड्ढा बनता है। आई होप कि इतने सारे एग्जांपल्स पढ़ के लेसन तो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब आपकी बारी है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक लाइन लिखिए वीडियो के बारे में, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।